मुद्दा पेश करो। हमारी आवाज ये सच्चाई की आवाज है। अरे भारत देश के रामदेव को भी मैं लड़काता हूँ, तेरे में हिम्मत है तो योगा क्यों कराता है, और योगा से ठीक होता है तो दवाई क्यों बेचता है। कहीं रुकता हूँ तो तक आया हुआ है टाइम, उनको भी धन्यवाद। या मुंबई शहर मध्ये सर्वात पहिल्या मी चालू केला असेल चार दर पाच दर कोणाला आज भर लावायला आम्ही बंदी केली आणि त्यांचा सन्मान केला का, तर त्यांचे आई वडील वाट पाहतात आपल्या घरी माझा मुलगा मुलींचा। आणि या सर्व महिला मुली आहेत त्यांच्या आई वडिलांना आमच्या वतीने सर्वांना सलाम जोरदार टाळ्याने सारे कृष्ण भक्तों के साक्षी से आज ये साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि हम लोग महिला बेटियां कम नहीं है, बहुत ही सुंदर। ट्रॉफी थोड़ी खाली गया सर, ट्रॉफी थोड़ी खाली गया। अरे उभे रे इकडे बघा, ए मुली आचर कर आयफोन 14। सबसे पहले तो महिला लोग नहीं है, ये बेटियां है महाराष्ट्र की और देश की शान है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, स्कूल पढ़ाई लेकिन मीडिया के माध्यम से इनको एडमिशन का कहाँ जरूरत लगे, इनके माता पिता को कोई दवाई जरूरत लगे तो साई नगर बारेक नगर में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी दवाई इनको फ्री मिलेगा। मैं बहुत ही अच्छा लगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र समाज के हित में काम किया है। साईनगरला माझा ऑफिस है, आपल्याला काही जरूरत पडली कुठलाही नेता काय काम नाही केलं तर कैलासराव देशमुख तुमच्या सोबत आहे। नाही तो इलेक्शन आया कि आगले लग जा आणि काय काम घेऊन गेलं तर हम आपके ऐकतो, कसं काय नाही म्हणून तुमच्या शाळेचा काय प्रॉब्लेम असेल, आई वडिलाला कुठे ऍडमिट करायचं असेल, कोणी जर आमचं घर छिनत असेल, कुठला बिल्डर त्रास देत असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तुमच्या सोबत आहे। माननीय पवार साहेब, जयंत पाटील साहेब यांच्या आदेश कार्याध्यक्ष राखीताई यांच्या आदेशानुसार आम्ही काम करतोय। और पूछिए बोलिए। मराठा सहयोगी सत्यवान सोनवणे गणेश जी डेनी जी अश्विनी जी सारे कार्यकर्ता है। मराठा ये एक दिन ऐसा रहता है मराठा जो एक दूसरे को मदद करके ऊपर चढ़ाता है, वो है मराठा। मराठे की शान है, महाराष्ट्र हमारा है, ये भारत देश, जापान एक राष्ट्र, पाकिस्तान एक राष्ट्र, चाइना एक राष्ट्र, एक छोटा सा टुकड़ा है महाराष्ट्र में, छोटा सा टुकड़ा है, वो है महाराष्ट्र। इसके लिए महाराष्ट्र संतों की भूमि है और ये सारी महिला हमारी भारत देश की शान है। इसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक मैसेज जावे ऐसे ये करता हूँ। फिर अगले साल यही बेटियां लोग क्यों मिलेगा, इसमें से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई और होगा, मैं उसकी अपेक्षा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।